हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं शुभेंदु सरकार, आप सबके सामने फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक तबले का छोटा सा वीडियो लेकर। तो आज का वीडियो हम जानेंगे जिस तरीके से हमने पिछला वीडियो देखा कव्वाली के पैटर्न। ये जो पैटर्न था इसका मैंने बताया था कि इसके कई सारे प्रकार भी हैं, वो भी बताऊंगा। एक वीडियो में बताना उतना संभव नहीं हो पाता है, तो मैंने इसका दूसरा वीडियो बना दिया। हो सके तो मैं इसका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा भी वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो। तो इसी के चलते मैं एक दूसरा जो वीडियो लेके आया हूँ, इसका वीडियो का जो बोल है आज के जो वीडियो में हम सीखेंगे पैटर्न वो किस तरीके से है, देखिए। ये तो था, अभी इसका जो मैंने बनाया था दूसरा एक टाइप ऑफ कव्वाली पैटर्न, तो देखते हैं उसको। ये जो पैटर्न है ये भी आप यूज कर सकते हैं, ये यूनिक पैटर्न है क्योंकि ये अधिकतर बजता है। यूनिक इसलिए है क्योंकि इसका जो मॉड्यूलेशन है थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया गया है इसको, लेकिन अधिकतर हमें ये रिकॉर्डिंग में सुनाई पड़ता है, भजन या फिर कव्वाली टाइप में आप इसको यूज कर सकते हैं। आजकल भजन चलत में भी जो कव्वाली टाइप में जो भजन चल रहे हैं आजकल, उसमें भी ये सारे पैटर्न यूज किए जा रहे हैं। तो इसको सीखने के लिए कैसे बजाएंगे हम, पता है कि जूम इन करना सबसे ज्यादा बेटर होता है और हमें सारे डायनेमिक्स पता चल जाता है। उसी तरीके से देखिए, सबसे पहले तो इतना सीखना जरूरी है। ए देखिए, ए बीच वाले फिंगर से मिडिल फिंगर से आपको स्टॉप करना है सेंटर पॉइंट पे। ए तिन्दा ता के साथ एक छोटा सा गे है, और जो धा है वो घिस के है, तो धे तिन नाता सबसे पहले सीख लेते हैं। ए तिन्दा धे तिन्दा ता ना, ए तिन्दा ता धे कैसे, धे तीन तीन के साथ छोटा सा गे है, धा ता धा धा को घिसकर धा ता, और फिर सबसे पहले तो ये सिंपल सीखेंगे, उसके बाद इसके थोड़े से और वेरिएशन की तरफ जाएंगे। धे कैसे आपको पहले ही बताया था, धे तिन ना ता ते तिन ना ता, एक बार पूरा फ्रीक्वेंस वाइज देख लेते हैं। ते तिन ना ता ते तिन ना ता ते तिन ना ता ते तिन ना ता, ये भी बजा सकते हैं आप, लेकिन उसके जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप यूज़ कीजिए, लेकिन अच्छा जो होता है ये भी बहुत कारगर है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके उंगलियां इस तरीके से काम करती है तो इससे, या फिर इस तरीके से तो इससे, इस तरीके से तो इससे, तो आप चाहे तो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो मैंने एक पैटर्न भेजा था, तो आपने देखा ये क्या है, सिंपल है। मैंने इससे पहले वीडियो में भी यही बताया था क तरीकट ताता, लेकिन क ती रे की टे पांच मात्रा में, तो पांच मात्रा को हम चार मात्रा में सेटल करने के लिए थोड़ा सा स्पीड में इसको बजाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा भरा भरा भी लगेगा क्योंकि कंसिस्टेंट हो रहा है, ये कंसिस्टेंट किस तरीके से हो रहा है, पांच मात्रा में है,
तो उसको हमने पांच मात्रा को एक ही मात्रा में बजाना है। अगर चार मात्रा होती, ये चार मात्रा है, अगर इसी को चार मात्रा को हम पांच मात्रा करके बजाएंगे तो थोड़ा सा कंजस्टेड लगेगा वो पांचवी मात्रा में। तो यहाँ पे के तेरे के आ रहा है वो का तेरे के टे, वन टू थ्री फोर फाइव, है ना। तो इस पांच मात्रा को हमें एक मात्रा में बजाना है ताकि थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी से बज गया। वो चीज़ करने के लिए हम के तरीके से कैसे बजाएंगे, के यहाँ से बजाएंगे ताकि हमारा ये पोर्शन खाली रहे और तुरंत हम ये बजाने के बाद इसको प्रेस कर सके। देखिए क बजाने के कितने सारे तरीके होते हैं, क क क क, ये भी क होता है, आपको बता दूँ, ये भी क होता है, ये भी क होता है, ये भी का स्वरूप होता है। तो अलग अलग तरीके से, है ना, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये बोल था आज का, आप इसको बजाइए और मैं इसका एक दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत यूजफुल भी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरीके की वीडियो और भी आते रहें आपके आप लोगों के सामने। धन्यवाद।